इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक्सेल की शीट पे ऑटोमेटिक डेटा एंट्री का एक पूरा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। कैसे सिंगल बटन में आप एक शीट का डेटा दूसरी शीट पर ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप तेज़ी से डेटा फीड करते जाइए और एक बटन दबाने पर ही वो डेटा दूसरी शीट में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफ़र शीट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास केवल 4 यहाँ पे रॉ मैंने बनाए हैं, जिसमें नेम, एज, एड्रेस और सेल दिए हैं। 2 कॉलम है हमारे पास, दूसरे कॉलम में बस हमें कुछ टाइप करना है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगी। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है इसमें मैं जो डेटा एंटर करने वाला हूँ वो मेरे दूसरी शीट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिंपल इस बटन को प्रेस करने पर। और ये आप भी बना पाएंगे घर पे बहुत आसानी के साथ में, आप सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे होगा। सो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोई भी एक वर्ड। तो मान लीजिए मैं राम यहाँ पे टाइप करता हूँ, उनकी एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एड्रेस के लिए मैं कोई भी शहर का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे उनकी सेल में लिख देता हूँ। मानिए 3000 की इन्होंने सेल की। यहाँ पर दूसरी शीट पर राम पहले से टाइप किया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद सिंपल मैं इसको यहाँ से जब एंटर करूँगा तो देखिए क्या होगा। एंटर करने पे यहाँ से डेटा चला गया और यहाँ पे डेटा वो आ गया जो हमने नया वाला भी टाइप किया था। इसी तरीके से अगर मैं इसके बाद भी और कुछ टाइप करूँगा, जैसे मानिए मैंने सीता लिखा, एज लिखी 25, एड्रेस डाला और इनकी सेल मैंने यहाँ पे डाली 2000 और इसको भी अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो ये डेटा यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल तरह से हम सीखने वाले हैं कि ये जो डेटा शीट है वो हम कैसे बनाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से न्यू फाइल पे जाना है और एक ब्लैंक शीट आपको यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। बहुत मिनिमम कॉलम्स के साथ मैं इसको बताऊँगा ताकि आपको बिना कन्फ्यूज़न ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पर सिंपल आप नेम टाइप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एज टाइप कर दीजिए और यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। अगर सेल भी लिखना चाहते हैं तो सेल भी टाइप कर दीजिए। आप ये सेल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से बॉर्डर कर दीजिए। अच्छा, आप ये वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाली जो पूरी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप अपने मन के हिसाब से, मनचाहे हिसाब से आप कॉलम बढ़ा सकते हैं, रो बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ाने के बाद में आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने जो डेटा लिया है इसको मैं अगली शीट पे ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और अगली शीट पे ले जाने के बाद में अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि अप टू डाउन है, अब इसको मुझे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के बारे में मैं पहले ही आपको कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आपको डेटा वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली करना है तो सिंपल आपको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा और जो वर्टिकल होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये आपको अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा कॉलम है, तो आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये शीट थी वो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गई है। अब यहाँ पे सिंपल हम एक जो डेटा एंट्री है वो कर देंगे, या तो सिंपल यहाँ पे हम 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे। अब ये मैंने क्यों डाले हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये नंबर डालने की। हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स के लिए नंबर दे दिए हैं, जो हमारे रॉ थे वो हमारे कॉलम हो गए और उनके लिए हमने एक नंबर दे दिया, सिंपल। अब यहाँ पे हम पहली वाली शीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक डेवलपर टैब दिखाई देगा। अगर ये टैब आपको नहीं दिखता है तो आपको एक्सेल के ऑप्शंस में जाना है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट प्रो कंप्यूटर कोर्स पे विजिट कीजिए। वहाँ पर हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल हिंदी शुद्ध और सरल भाषा में अपने कोर्सेज तैयार किए हैं। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जब आप उन कोर्सेज को देखेंगे तो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या ऑफिस को सीखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे तैयार किए हमने सारे कोर्सेज कि आपको घर पे भी एक कंप्यूटर सेंटर जैसा माहौल फील होगा। आपको लगेगा कि आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो अपने स्किल को अगर आप और भी बेटर करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो एक बार हमारे वेबसाइट प्रो कंप्यूटर कोर्स पर विजिट कीजिए। उसके लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं अगले टिप्स के बारे में। और यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन पे या कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन में मेन टैब में आपको यहाँ पे डेवलपर टैब का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको टिक लगा देनी है। अगर नहीं लगी है तो इस पे टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके करेंगे वैसे ये जो डेवलपर टैब है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और इस डेवलपर टैब में ये जो ऑप्शन है मैक्रो वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी की मदद से ये सारा काम हम करने वाले हैं, क्योंकि मैक्रो क्या करता है कि आप जो भी स्टेप लेते हैं एक्सेल के अंदर में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने एमएस वर्ड में भी आपको मैक्रो बताया है, तो वहाँ पे वो आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता जाता है। और जैसे जैसे आप स्टेप लेते जाएंगे वो स्टेप आपके सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे और बाद में जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो आपके बिना कुछ किए ही वो सारे काम खुद से हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर अगर मैक्रो अगर आपको सीखना है तो ऊपर मैंने इसका लिंक दिया है आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप वो वीडियो देखिएगा बेसिक वाला। अगर आपको नहीं आता है बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। फिलहाल मैं चलिए इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक डेटा यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं ताकि हम अगली शीट पर वो डेटा डाल पाएँ। तो यहाँ पर हम डेटा डाल देते हैं। ठीक है, श्याम हमने नाम लिखा, एज 25 डाल दी और यहाँ पर हमने एड्रेस दे दिया आगरा का और यहाँ पे सेल डाल दी 3000। अब इसको थोड़ा सा सेंटराइज कर लेते हैं इधर से और फिर उसके बाद मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दोनों शीट्स दिखाई देंगी। तो पहली शीट पे आ जाइए और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का बटन प्रेस करिए। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से आपको मैक्रो को एक नाम दिया जाएगा। आप चाहें तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम देते समय ध्यान रखिएगा कि उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर डाटा एंट्री टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखा है। अगर मैं स्पेस रखूँगा तो आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाई देगा। तो स्पेस नहीं रखना है, यहाँ पे आप जो भी टाइप करें वो एक दूसरे से चिपका के टाइप करें लेटर्स को। इसके नीचे आपको शॉर्टकट की का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये शॉर्टकट की का मतलब ये होता है कि अगर आप बटन नहीं बनाते हैं और सिंपल सीधे कीबोर्ड से वो शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं तो आपका मैक्रो रन करने लग जाएगा। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम मानिए कंट्रोल के साथ में सी को अगर हम प्रेस करेंगे और कंट्रोल सी से हम और कोई हमारी शॉर्टकट की जुड़ी हुई है या कंट्रोल वी से हमारी कोई और शॉर्टकट की जुड़ी हुई है तो वो उसके साथ में मिसमैच कर सकती है। तो अगर आप बना रहे हैं तो शिफ्ट को भी यूज़ कर लीजिए और उसके साथ में फिर और कोई की को प्रेस कर दीजिए। तो हो सकता है कि ये की पहले से वर्किंग ना करती हो, कोई शॉर्टकट ना हो इसके बारे में। और इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जो हमने शॉर्टकट बनाया था वो क्या था। अब यहाँ से जैसे इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो जाएगी और आप जो भी स्टेप लेने वाले हैं आगे वो आपके रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें लेना है कि कॉलम नंबर 1 पे जो नाम लिखा है उसको हमें कॉपी करना है। तो कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे और कॉपी हो गया। अब शीट नंबर 2 पे हम जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार करनी है, उसके बाद ये सब कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम नेम पे जाएंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे और मैक्रो को बताएंगे भाई तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे जाना है। लास्ट एंट्री पे मैक्रो को पहुँचाएंगे क्योंकि उसे ये भी बताना होगा ना कि ब्लैंक सेल्स कहाँ पर हैं, कैसे दिए गए हैं। तो क्योंकि वो कंप्यूटर है तो आपको बिल्कुल शुरू से ज़ीरो से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, आप कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्रो लास्ट वाली एंट्री पे पहुँच जाएगा। अगर आपके पास 20 एंट्री हैं, 30 एंट्री हैं, 40 हैं तो अपने आप खोज लेगा कि लास्ट वाली एंट्री कौन सी है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का जो बटन है ये ऑन कर देना है और इसके बाद में आपको कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि उसे पता चल जाएगा कि लास्ट वाली एंट्री पे आने के बाद फिर कहाँ जाना है, तो ये भी उसको बताना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाली एंट्री पे आने के बाद रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है वहाँ जाना है आपको। सो वहाँ हम आ गए हैं और यहाँ इसके बाद आपको इसे पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था पहला वाला नाम। अब रिलेटिव रेफरेंस ऑन ही रहने देना है और लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है ताकि आपका जो सलेक्शन है वो अगले सेल में चला जाए। इसके बाद इसे ऑफ कर दीजिए। अब देखिए बहुत सारा हमने काम कर लिया है, बहुत थोड़ा सा काम बचा है। अब यहाँ पे शीट नंबर 1 पे आ जाइए और डाउन एरो की करके आपको कंट्रोल सी करना है, एज को कॉपी करना है। दोबारा शीट 2 पे चले जाइए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद रिलेटिव रेफरेंस ऑन करिए, अगले सेल में जाइए, इसको ऑफ करिए, फिर दोबारा से एड्रेस को कॉपी करिए, शीट 2 पे आइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से अगले सेल में बताने के लिए फिर से इसको ऑन करना है। अगले सेल में आ गए हम, इसको ऑफ कर दीजिए, शीट नंबर 1 पे आइए, डाउन एरो की प्रेस कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर से एक बार और लास्ट बार इसको ऑन करिए, अगले सेल में आ जाइए। अब यहाँ पे ये डेटा हमारा एंटर हो गया है। अब दोबारा से हमें शीट 1 पे जाना है और ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देना है और पहले वाले सेल पे अपने माउस के कर्सर को ले जाना है या पहला वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। तो इतना सारा काम हमने कर लिया। हमारा मैक्रो ने सारे रिकॉर्ड जो हमारे सारे स्टेप थे वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब कैसे रन करेगा ये हम देख लेते हैं। कोई भी एक यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रोहित, उसके बाद उसकी एज टाइप कर देते हैं, उसके बाद एड्रेस टाइप कर देते हैं और यहाँ पे सेल लिख देते हैं। तो 5000 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में सिंपल आपको, क्योंकि अभी हमने बटन नहीं बनाया है, तो या तो आपको शॉर्टकट याद हो आप वो प्रेस करें या फिर आप मैक्रो पे चले जाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटा एंट्री वाला मैक्रो आपको दिख जाएगा और यहाँ बस वो आपको सेलेक्ट करना है और रन कर देना है। तो क्या होगा कि जो आपकी एंट्री थी वो आपके अगले सेल में चली जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे पहली एंट्री थी हमारी जो हमने ये की थी, शाम 25 आगरा 3000, एंड दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे आ गई रोहित 36 आगरा 5000। ठीक है, तो अब यहाँ पे शीट 1 पे हमें बटन बनाना है। इसके लिए तो बटन बनाना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट पे और यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा। बटन को इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे असाइन मैक्रो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे आप बटन बनाएंगे। तो डेटा एंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो बटन 1 आ गया। अब यहाँ पे बटन 1 पे आप रीनेम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर लिख देता हूँ। ठीक है, कहीं भी आप माउस का क्लिक करेंगे तो एंटर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एक कोई एंट्री डालूँगा, सीता 36, इसको भी आगरा में भेज देते हैं और यहाँ से 6000 एंट्री कर देते हैं। बस सिंपल आपको एंटर करना है और आपका जो डेटा है वो अगले सेल में चला जाएगा। शीट 2 पे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ में ये जो डेटा एंट्री है ये कर सकते हैं। अब ये पूरी शीट को आपको मैक्रो के साथ में सेव करना है। अगर आप सिंपली सेव करेंगे तो जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है वो सेव नहीं होगा। आपको फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, कंप्यूटर का सिलेक्शन आप कर लीजिए और यहाँ पे जब आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल वर्कबुक के साथ में ऑप्शन मिलेगा, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको नाम देना है तो वो दे दीजिए। जैसे वर्कबुक 3 में रख देता हूँ वैसे ही, और इसको सेव कर दीजिए। तो अब ये जो शीट आपकी सेव हुई है ये मैक्रो के साथ में सेव हुई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने किसी भी प्रयोग में इसको करके देखेंगे और अगर मैक्रो आपको ठीक से सीखना है तो नीचे उसका लिंक दिया गया है वीडियो का, पुराने वाले का, जिसमें मैंने मैक्रो के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, वर्ड में कैसे यूज़ करना है, एक्सेल में कैसे यूज़ करना है, उसे एक बार ज़रूर जाके देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।